यही कांग्रेसियों ने इस बिल की तायद की। मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा यूएपी एक्ट, मैंने देखा यूएपी एक्ट में, जब उन बच्चों की दास्तानें पढ़ता हूं तो आज से आंसू नहीं खून निकलता है। दस दस साल, बारह बारह साल बच्चों को जेल में डालकर उसके बाद उनकी रिहाई होती है। एक राजस्थान की जेल से बच्चा निकला, 12 साल के बाद जब अपने घर को गया तो मालूम हुआ कि अम्मा का इंतकाल हो गया। अम्मा की खबर पर गया और जाकर अम्मा की खबर पर लपेट कर रो रो कर पुकार रहा था कि अम्मा आज मैं 12 साल के बाद आया हूं और मेरा इस्तकबाल करने तू नहीं। ये कांग्रेस पार्टी ने उस कानून की तायीद की पार्लियामेंट में और मुझ पर इल्जाम लगाते हैं अगर मेरी जबान कड़वी है तो तुम लोगों की वजह से। और मैं तुमको बता रहा हूं कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। मेरी मौत मेरी आवाज को खत्म कर सकती है। किसी हुकूमत का जबर, किसी पार्टी की ताकत असदुद्दीन ओवैसी की आवाज को नहीं दबा पाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मॉब लिंचिंग होती है भारत में, हमारे वतन अजीज में। ये गांधी का मुल्क, ये अंबेडकर का मुल्क, और इस मुल्क में जहां पर हमने अपनी जानों को कुर्बान करके इस मुल्क को आजाद करवाया, आज इस भारत में, इंडिया में मॉब लिंचिंग होती है। सुनो भिवंडी की आवाम, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे झारखंड जाने का मौका मिला, रांची गया था, जलसा हुआ और जलसे के बाद दूसरे दिन सुबह में रांची के मलिक इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर मुबान मलिक साहब आकर कहा कि सर साहब जरा ये खानदान वाले सुबह से बैठे मिल लीजिए। मैंने कहा बुलाइए, तो अंदर आने के बाद मुझसे कहा गया कि ये तबरेज अंसारी के अफराद खानदान के लोग हैं, ये तबरेज अंसारी की बीवी है जो बेवा हो चुकी है। भिवंडी की मेरे आवाम, भिवंडी के मेरे बुजुर्गों, मैं तुमसे कह रहा हूं कि निकालो अपने जहनों से कांग्रेस की इस नापाक मोहब्बत को। देखो ये जो जुल्म हो रहा है भारत में मॉब लिंचिंग के नाम पर, मैं तुमको शायस्ता का पैगाम पहुंचा रहा हूं। जिस बच्ची के हाथ की मेहंदी नहीं उतरी थी उसके शौहर को चोर कहकर रात भर बंद करके मारा गया, पीटा गया। नौजवानों, मेरी तकरीर को रिकॉर्ड करने के बजाय तबरेज का वीडियो देखो। तबरेज अंसारी को जब पूछा गया मार मार कर कि बता तेरा नाम क्या है, तो तबरेज ने कहा कि मेरा नाम सोनू है, सोनू है। जब सालिमों ने पूछा उससे कि बता तेरा असली नाम क्या है, तो तबरेज अंसारी ने गलती से कह दिया कि मेरा नाम तबरेज है। उसके बाद वो मारने वाले यकीनी तौर पर नाथूराम गोडसे की जायज औलाद थी। खूब मारा तबरेज को, 9 घंटे किसी को मारते, बताओ आप 9 घंटे किसी को मारते, कहां गया हिंदुस्तान में इंसानियत, कहां गई। बच्चे देख रहे तबरेज अंसारी को मार रहे, खवातीन ठहरिए तबरेज को मुंह पर मार रहे हैं और उससे कहा जा रहा है बोल, ये नारा लगा, ये नारा लगा, ये नारा लगा। मगर तबरेज की रूह तुमको पुकार कर कह रही है कि खबरदार, मौत भी आ जाए मगर अपनी जबान पर शिर्क के कलमात अदा नहीं करना। तबरेज को सुबह पुलिस स्टेशन लेकर गए, बड़ी मुश्किल से हमारी बेटी फाइस्ता ने उससे मुलाकात की, तो तबरेज ने एक ही बात कही कि थोड़ा पानी पिलाओ, अस्पताल को लेकर चलो वरना मैं मर जाऊंगा। वहां पर भी तासुबियत का मजाहरा किया गया और कोर्ट से तबरेज को जेल भिजा दिया गया। एक दिन में तबरेज की मौत हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो मालूम हुआ कि तबरेज अंसारी के सर में जो खोपड़ी होती है इंसान के, वो 3 जगह से फ्रैक्चर हो गई। अब बताओ कहां है सेकुलरिज्म, कौन गया तबरेज की मदद करने, हुबान मलिक मल्लिस का सदर गया, किसने जाकर तबरेज के घर में कहा कि ये मैं, मेरे पास 50,000 रुपये हैं, इसको आप रख लो,
भूपान मलिक मजलिस ने किया। अरे कहां थी कांग्रेस? झारखंड में रांची में कोई कांग्रेस का लीडर गया तो बताओ मुझे? मजलिस गई वहां पर, कांग्रेस इसलिए नहीं गई क्योंकि कांग्रेस को डर था कि दूसरों के वोट हमको नहीं मिलेंगे, अक्षरती तबके के वोट नहीं मिलेंगे। तुम वोट की राजनीति करते, मैं नहीं करता हूं, मैं इंसानियत की राजनीति करता हूं। और अगर कांग्रेस की जगह किसी गैर मुस्लिम मेरे हिंदू भाई का भी नाम होता तो इसी जज्बात के साथ वो इसी कहता हूं बात। मेरे अजीज दोस्तों, ये आप अंदाजा लगाओ ये हमारे भारत देश में ये हो रहा है। और लोग आकर आरएसएस के सर संचालक कहते हैं कि मॉब लिंचिंग नहीं होती, मॉब लिंचिंग नहीं होती, ये कोई मगरबी मुल्क का मामला है। मिस्टर मोहन भगवत झारखंड में अलीउद्दीन अंसारी के कातिलों को, जिसको सरे बाजार रोड पर मार कर उसका वीडियो निकाला गया था, वो अलीउद्दीन अंसारी के कातिलों को कोर्ट ने सजा दी तो बीजेपी का मिनिस्टर ने हाई कोर्ट से बेल के बाद उसको फूल का हार पहनाया उन लोगों। और आप आकर हमको सेकुलरिज्म का आईना दिखाते हैं, कभी अपना आईना देख लो, बहुत बदनुमा तुमको नजर आएगा तुम्हारा चेहरा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप 21 तारीख के दिन मेरे भाई खालिद गुड्डू को कामयाब करिए, इंतखाबी निशान बैठ, और दूसरी सीट से रईस शेख को कामयाब करिए। मैं इस उम्मीद से जा रहा हूं, मुझे ना उम्मीद मत करना मेरे भाई। इंशाल्लाह मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी आवाज को महाराष्ट्र की विधानसभा में भी जाना है, अपनी ताकत को भी जाना है। और याद रखो, अगर तुम इसी तरह कभी भाई इसी तरह दिमाग में सोचते रहोगे अरे कुछ नहीं होगा, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है, हिंदुस्तान का संविधान हमारे साथ है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि एक एक वोट का इस्तेमाल करो खालिद के लिए, और ये समझो कि तुम खालिद हो, आप खालिद हैं, हर बच्चा खालिद है, हर बुजुर्ग खालिद है, हर माँ ये समझे खालिद मेरा बेटा है। निकलो और अपनी आवाज को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंचाओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।